हेलो गाइस, इस वीडियो में हम प्लांट्स और एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने सारे सेल ऑर्गेनल हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल है क्या और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है सेल, सारी चीज़ें हमने कवर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम प्लांट्स और एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। प्लांट्स सेल आर लार्जर इन अ साइज एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल की कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, प्लांट सेल का साइज काफी हद तक बड़ा होता है। और प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल की प्रोटेक्शन होती है, काफी रिजिड होती है ये सेल वॉल। आप हम लोग की स्किन हो गई तो काफी आसानी से हम इसको दबा ले रहे हैं, कुछ आराम से दबा दे रहे हैं उसको, इसकी शेप चेंज कर ले रहे हैं। लेकिन प्लांट्स को अगर आप जाके कहीं पुश करो काफी हल्के हाथों से तो कुछ होता है नहीं, क्योंकि उसके सेल्स के इर्द गिर्द आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं एक्चुअली। तो गाइस, हमारी जो सेल होती है, मतलब एनिमल्स की जो सेल होती है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही प्रोटेक्शन होती है और सेल वॉल की प्रोटेक्शन नहीं होती है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत एक्चुअली नहीं पड़ती है। लेकिन प्लांट्स उसकी ज़रूरत होती है ताकि कोई भी आकर उसको इतने जल्दी से हार्म ना पहुंचा सके, तो उसको प्लांट्स सेल की जरूरत होती है। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो पेरीफेरी पाया जाता है। पेरीफेरी कहने का मतलब साइड वाइड में, कहीं भी साइड वाइड में न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में वो बिल्कुल बीचों बीच ही पाया जाता है। वो पेरीफेरी कहने का मतलब क्या, पेरीफेरी मतलब इर्द गिर्द कहीं भी सेल वॉल के पास में या फिर सेल वॉल के पास में क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसकी तो उसको तो प्रोटेक्शन मिली है सेल वॉल की, तो वहां पे बाहर भी शॉक एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, मतलब एनिमल्स की बात करें, तो शॉक जो होगा वो साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सो दैट्स द रीजन दैट एनिमल्स में न्यूक्लियस बीचों बीच पाया जाता है, ताकि अगर शॉक कोई मतलब कोई धक्का भी अगर सेल को बाहर से लगता है तो वो डिफेक्शन से ना गुजरे, वो वैसे के वैसे ही रहे, उसका न्यूक्लियस वैसा का वैसा रहे एक्चुअली। तो यहाँ पे प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है और न्यूक्लियस पेरीफेरी कहीं भी इर्द गिर्द पाया जाए, और एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ही होती है, और इसके इर्द गिर्द नहीं, बीचों बीच बिल्कुल मिड में न्यूक्लियस पाया जाता है। और एनिमल्स सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की भरमार होती है, क्योंकि एनिमल सेल हम तो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं, हमको तो भाई खाने पीने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एंड प्लाज्मा में एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, पावर हाउस ऑफ अ सेल है, मतलब कि जितनी भी पावर ताकत आएगी वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगी सेल को। सो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा नीड है एनिमल सेल में, क्यों, क्योंकि हमको तो काफ़ी ज़्यादा काम करना है, हमारी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा काम करना है। लाइक हम कहीं भी घूमते हैं, फिरते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, तो लेकिन प्लांट्स तो एक ही जगह सिर्फ खड़ा ही है ना, खड़े खड़े सारा काम कर रहा है, तो उसको कौन सी ज़रूरत है ज़्यादा खाने पीने की। तो उसमें कुछ या फिर सिंगल ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, या फिर थोड़े सिंगल से थोड़ा ज़्यादा, और एनिमल सेल में काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। जैसे कोई जिम विम कर रहा है, कोई रनिंग वनिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे अपने आप को काफ़ी अधिक डिवाइड भी करते रहते हैं। एनिमल्स सेल में कई सारे नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बट इन अ प्लांट सेल वन काफ़ी बड़ा सा और बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस की जगह पे वैक्यूल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में कई ढेर सारे वैक्यूल्स, नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ एनिमल सेल। एंड द लास्ट, लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में लाइजोसोम्स काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में लाइजोसोम्स रेयर होते हैं, लैकरिस होती है लाइजोसोम्स की। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो।
अगली ये सीरीज खत्म हो गई हमारी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की। अगले वाले चैप्टर यानी कि मोशन हम साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम मोशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस प्लान ये था हमारा, मतलब प्लान अभी प्लानिंग चल रही है कि हम टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज को लॉन्च करें। तो अगर आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, आपको नीड होगी उस सीरीज जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे आपको, वो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइंड होंगे एक्चुअली कि शुरू से लेकर अंत तक का सारा कॉन्सेप्ट आपका उसी टॉप 10 सीरीज में खत्म हो जाए, मतलब पूरी पूरी आप जानकारी उसी टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में जान दो। सो गाइस अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम सीरीज जरूर लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच।